28 साल से पड़े और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रहे थे, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा, और उसके बीच कोई इस प्रकार के अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा। कल मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल मुलाकात शाम को होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल शाम को मुलाकात होती है और दूसरे दिन ही राज्यपाल इस्लाम बोला ने जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है, राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा, राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड कि 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में, करने दो। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में गवर्नर हाउस में तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठे। राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी। नहीं नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 28 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ ये सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं उसके बाद, ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने आप तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना? देखिए वो हो जाएगा, उस बारे में हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, हमारे एक्सपर्ट है पार्टी में, हमारे अनिल देसाई जी है, अरविंद सावंत जी है, अनिल परब जी है, तीन लोग ये काम देख रहे हैं, तो उस बारे में वो निर्णय लेंगे। आज की दिल्ली का शिवसेना ये मानती है 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है? आने दो, कल मुंबई में शायद वो गोवा जा रहे हैं। गोवा जा रहे हैं, हाँ भाई, पर्यटन तो चल रहा है, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई आना पड़ेगा, कैसे आएंगे कब आएंगे, या उधर भी पहाड़ देखेंगे, झाड़ देखेंगे, नदी देखेंगे, अच्छा अच्छा होटल देखेंगे, जो गुवाहाटी में बैठे हैं हम आखिर तक लड़ेंगे। और हमें पूरे विश्वास है अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर कानून के लड़ाई के साथ हम जाएंगे और कानून का अगर पालन किया जाएगा तो हम जीतेंगे। क्या बात, बागी ग्रुप शिवसेना से रूबरू हो पाएगा? क्या सिनेरियो होगा, क्या लगता है आपको? काफी दुर्भाग्यपूर्ण तो है। नजर से नजर तो मिलाइए, बाद में देखेंगे आप में कितनी हिम्मत है। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने आपको बच्चों की तरह संभाला है, मित्रों की तरह उद्धव जी ने संभाला है, बच्चों की तरह संभाला है बाला साहब ठाकरे जी ने, और वो भी वो मान्य करेंगे। कौन से कारण देकर आप भाग रहे हो? सब झूठे कारण हैं।